को सुनो कहना मान लीजिए थोड़ा थोड़ा नाथी अभी ये उसे वापस कर दीजिए। जी हाँ उसका घोड़ा घोड़ा वापस कर दीजिए। सारी तुम्हें मार खाई जिद्दी आदमी है वापस कर दीजिए ना। एक काम करेगा एक काम कर घोड़ा सारे ला कर दे लेकिन ये 1,25,000 का घोड़ा नहीं दे घोड़ा लेके दे घोड़ा नहीं को ही बतावा ये बतावा कि घोड़वा तो दे दिया लेकिन का कर घोड़वा को करिए समझरगा बहुत मार खाओगी। चलो धन्यवाद खोल दो खोला दे दो पूरा नहीं हूँ आपने मामा आल्हा उधर को बुला कर ले ठीक है गगन आज तो मैं चाहता हूँ अपना घोड़ा लेकर लेकिन एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा अपने मामा आल्हा उधर के साथ। उस दिन इस घोड़हर को खड़हर न बनाया तब मेरा नाम भी जागर नहीं जागर नहीं था। दर्दी लेने आई हो घोड़ा जी मजे मार रहे हो बाबू पल हम छुपिया देखा छत्री है यह मार जाता है एक तो कमजोर है यो है तो क्या हुआ यह मार जाता है घोड़ा दे दिया हूँ और घोड़ा नहीं दूंगा मैं जा रहा हूँ तुम भी जाओ ये बहुत जिद्दी है जिस चीज को जिद कर लेते हैं उसको करके निभाते हैं है ठीक है अरे पीना पीने मलंगवा के कि पीना पीने मलंगवा के प्यार ना मिले पीना पीने Thank you.
यहीं पर विराम देते हैं। हम आप लोगों पर लेकर चलते हैं कन्नौज की तरफ, कन्नौज के महाराज जयचंद रात दरबार में बैठे रहते हैं। देखिए आपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं महाराज जयचंद की हवेली। जी महाराज जी, अवश्य आ रहा उदल जहां कोई भी हो तत्काल हाजिर हो। हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहिए चाचा श्री, क्या पूछना चाहते हैं? आज रिजगिर में रहते हुए तुम दोनों को 12 वर्ष बीत गए। जी हाँ चाचा, आज तक हमें यही नहीं पता चला कि भाई परमाल ने तुम सब परिवार को क्यों निकाल दिए, कारण क्या है? चाचा श्री बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। चाचा श्री भैया, याद अचानक चाचा श्री के हो क्या गया? आज 12 वर्ष के बाद ये सवाल किए हैं। छोटे भाई उदय चंद, अगर चाचा ने सवाल किया है तो हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। ठीक है भैया। चाचा श्री, ये उस समय की बात है जब मेरी धर्मपत्नी मछला के इंदल पैदा हुआ, और जब इंदल 6 दिन का हो गया यानी छठ के दिन बहन चंद्रा और काजल लगाने आया। वो काजल की लगवाई में उदल की तेल और गोंदुला घोड़ा मार रही थी, जिसे उदल देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर चाचा परमाल ने मुझे सब परिवार महोबे से निकाल दिया। और कोई बात नहीं, ठीक है। उदल ये बताओ, चंद्रा वाली तुम्हारी सगी बहन है? क्यों नहीं, क्यों नहीं चाचा जी, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर था। वो हमारी शान थी, इसलिए हम देने से इनकार हो गए। ठीक है, चलकर आ रहा करो। ठीक है। हम चलते हैं धीरे, आराम करेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। समाचार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा। ओ देखी दरबारी, अरे भैया जो कह रहे हो हम सुन रहे हैं। आप साथ में भी थी उदय चंद, मैं तुझे ही पूछ रहा था, ये बताओ इस वक्त तुम्हारा आगमन कहां से होता है? मेरा, मैं तो शिकार खेलने गया था भैया। क्या शिकार खेल? जी हाँ उदय चंद,
आज मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। क्या भैया? ना मालूम क्या बात है कि आज लहरे के मेरा दिल धड़क रहा है, कुछ समझ में नहीं। आपका दिल धड़क रहा है? लेकिन क्यों भैया, आज आपको हो क्या गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है उदयचंद। ठीक भैया, आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उदयचंद। मेरा पूरा परिवार मेरे सामने पेश किया। ठीक है भैया, काम ये करो जी, समस्त परिवार को इकट्ठा करो। उदयचंद क्या बात है, मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है। क्या आज आपको क्या हो गया भैया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बैठिए। कोई दरबार में है? दरबार में कोई है? काम ये करो, गेंद में देखो कैसी आवाज आ रही है। आओ देखो, अगर दरबार में बड़े मामा आधा और उदल हूँ तो बता दो कि जगनेरी से जागर आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। भैया जी, जगनेरी से जागर आए हैं क्या? वो मिलना चाहते हैं आप लोग हमारे भाई साहब से। दरबारी जाकर जागर से बोल दो कोई देर से वापस चला जाए, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। भैया का आदेश हुआ नहीं कि तुम चल पड़े। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो उदयचंद, क्या कहना चाहते हैं? सुनी साथ
मेरा सब परिवार मुझे देश निकाला था। मैं हर गांव का चक्कर काटता हुआ दरमियान पहुंचा। मैंने कहा छागल केवल एक रात का ठहर दे, तुमने सुना नहीं छागल ने क्या कहा? मैं सुना भैया। अगर नाना परमान ने तुम सबका देश निकाला किया है तो हमारे यहाँ कोई कम। मैंने कहा छागल मेरा बेटा इंद्र प्यास से तड़प रहा था, इसे एक गिलास पानी पिला दिया। एक गिलास पानी कौन कहे छागल ने, एक बूंद पानी में। और तुम कह रहे हो मैं उसे दरबार में बुला लीजिए भैया, उन्हें चलना नहीं उसको बुलाए। बात याद है लेकिन भैया सुनो मेरी बात को, कहो पिछली बातों का नहीं अंतिम में करो भैया खड़ा, और हुक्म दो करवान को जागर को लाने। ये तो मैं जानता हूं कि बचपन से लेकर जवानी तक तुमने जिस बात की जिद कर ली उस जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। खैर अगर तुम कहते हो तो मैं जागर को बुलवा देता हूं, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्या आप बात नहीं करेंगे? नहीं। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। राजा भाई जाओ जागर को बुला दो। और कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे बड़े मामा भी। हाय मामा मामा हाय मामा मामा अपने मान जी की करो शादी कथा। Thank you.
जाकर आया है और आपसे कुछ कह रहा है। आप जाकर से क्यों नहीं मोड़ रहे हो भैया? ओदर्शन, मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि परिवार का सभी सदस्य उससे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये बात तो ठीक है। लेकिन सिरसागर जाने का मुझे मौका नहीं मिला मामा। लेकिन तू इतना लंबा सफर करके आ रहा है, कम से कम सिरसागर का हाल चाल तो लेते आता। मुझे मौका नहीं मिला मामा। मौका नहीं मिला, ठीक है बड़े भैया। जागरण, जागरण काफी लंबा सफर करके आया है, अगर आप कहो तो मेरे इसे ले जाकर संगम स्नान करा दूं। उदयचंद, इसमें पूछने की क्या बात है? ले जाओ स्नान कराओ और अपने भाभी से पैदल तू भोजन तैयार। ठीक है, आप बैठिए भाभी श्री। कहिए भाभी श्री, हम लोग जा रहे हैं संगम स्नान करने और आप भोजन की तैयारी कीजिए भाभी। ठीक है, ठीक है भैया। चाचा जी, मैं भी चलूंगा गंगा स्नान करने। क्या? हाँ चाचा, तुम भी चलोगे? मैं भी चलूंगा। लेकिन मेरे बेटे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तक बड़े भैया इजाजत नहीं देंगे, हम तुम्हें नहीं ले जाते। पिताजी से कहता हूँ। हाँ बोलो पिताजी, मेरा भी दिल कह रहा है गंगा स्नान करने के लिए। जब तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है तो डर किस बात की? अपने चाचा के साथ जाओ स्नान करो।
मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? दुनिया साफ सुथरा रहा है, हम ही दुनिया में पड़ा ही अंगू खसी की नागम भाई, नागम भाई हम भी स्नान करना चाहते हैं। ठीक है, तुम भी जाओ स्नान करो। अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। वो कहां से है? मानस जो मणि अरे अभी पहुंचे कहां? साबुन लेकर कहीं रहिए मत, खरीद ले जा, वो कहां मिलेगा? हां भैया हां हां जाए बॉय, खरीद ले भाई, जाए बॉय। अखंड दादा के तरफ से ये 20 रुपए का वो या तो दूध खरीदी नहाए जाए, तिलक खरीद ले या तो लक्ष जी हाँ। चलो चाचा, चलो चलते हैं। गंगा के निर्मल पानी, गंगा जी के निर्मल पानी, हम लोग गंगा घाट पे पहुंचे।